बच्चों, आप जानती हैं कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं और इसलिए इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। कितनी विविधता होती है ना इन पेड़ पौधों में। कुछ पेड़ पौधे फूल वाले होते हैं, कुछ फल वाले होते हैं। अलग अलग आवास में ये पेड़ पौधे रहते हैं, अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्वभाव के। तो क्या इतनी विविधता होने के बावजूद इन पेड़ पौधों को एक ही वर्ग में रखकर इनका अध्ययन करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इसलिए इन पेड़ पौधों को इनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्ग में रखा गया, ताकि इसका अध्ययन हम सरलता से कर सकें। अब हम बात करते हैं आरएच विटेकर की, जिन्होंने 1969 में पांच जगत वर्गीकरण के बारे में बताया, और इन्होंने जीवों को पांच जगत, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमिलिया में विभाजित किया। तो बच्चों, आज हम जगत प्लांटी, प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वनस्पति जगत में भी समय अनुसार काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के जितने भी सदस्य थे, इन्हें वनस्पति जगत में इनके कोशिका भित्ति के आधार पर वनस्पति जगत में रखा गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसलिए इन सभी सदस्यों को वनस्पति जगत में रखा गया। लेकिन जब इस पर अध्ययन हुआ तो कोशिका भित्ति की प्रकृति के बारे में पता चला। तो जैसे अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। तो प्रकृति अलग अलग होने के कारण फिर इन जीवों को अलग अलग वर्ग में रखा गया। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये शैवाल नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसलिए इसे अब जगत मोनेरा में रखा गया है। तो इस प्रकार जीवों में उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग समूह और उपसमूह में बांटा जाता है, और इसे ही हम वर्गीकरण कहते हैं। और ये वर्गीकरण प्राचीन समय से होते आ रहा है। अगर हम वर्गीकरण के प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं, जैसे पहला जो वर्गीकरण है वो है कृत्रिम वर्गीकरण, जिसे लीनियस ने दिया था। इसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। लीनियस ने क्या किया, जब पेड़ पौधों को उनको अलग अलग वर्ग में रखना था, तो पेड़ पौधों को जब इन्होंने रखा तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, आकार के गुणों को उन्होंने ध्यान में रखा, जैसे कि उसका रंग कैसा है, उनमें कितनी पत्तियां पाई जाती हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, ऐसे बाहरी गुणों को उन्होंने ध्यान में रखा और उस आधार पर पेड़ पौधों को उन्होंने वर्ग, अलग अलग वर्ग में रखा। साथ ही इन्होंने कायिक गुणों और लैंगिक गुणों के आधार पर भी जीवों को बांटा। और तीसरी बात यह थी कि कायिक गुणों और लैंगिक गुणों, इन दोनों को इन्होंने समान मान्यता दी, जो कि बाद में इसे स्वीकारा नहीं गया, क्योंकि कायिक गुण जो होते हैं ये पर्यावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए इसे बाद में अस्वीकार कर लिया गया। दूसरा वर्गीकरण है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसे बेंथम और हुकर ने दिया। इसमें जीवों में प्राकृतिक समानताओं पर ये वर्गीकरण आधारित है। बेंथम और हुकर ने बाह्य गुणों को तो ध्यान में रखा ही, साथ ही आंतरिक गुणों पर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया, जैसे कि जीवों की आंतरिक संरचना कैसी है, उनके शरीर की आंतरिक संरचना कैसी है,
उनका भ्रूणीय विज्ञान, मतलब उनके भ्रूण की संरचना कैसी है, साथ ही इन जीवों में, इन पेड़ पौधों में किस प्रकार के रसायन बनते हैं या स्रावित होते हैं, इन पर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण है वो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये जो वर्गीकरण है जिसे अभी स्वीकार कर लिया गया है, मतलब अभी जो वर्गीकरण होता है ये जातिवृत्तीय वर्गीकरण के आधार पर ही होता है। इसमें जीवों के विकासी सिद्धांत पर ये वर्गीकरण आधारित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक वंशावली पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और इसकी जो शाखाएं हैं ऊपर में जो सदस्य आपको दिख रहे हैं ये एक ही वर्ग में रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि समान टैक्सा के सभी सदस्यों के पूर्वज भी समान थे। अब हम बात करते हैं, वैज्ञानिक जब वर्गीकरण करते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न उन्हें होते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए वे बहुत सारे स्रोत और बहुत सारी सूचनाओं की सहायता से वर्गीकरण करते हैं, और ख़ासकर तब जब किसी प्रकार का जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो। इसलिए कुछ और भी वर्गीकरण जिसकी सहायता ली जाती है, जैसे कि संख्यात्मक वर्गीकरण या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। और कंप्यूटर में क्या किया जाता है, किसी भी जीव के गुणों को नंबरिंग दी जाती है और ये गुण कितने भी हो सकते हैं, 1 से 100 तक भी हो सकते हैं, 1 से 1000 तक भी हो सकते हैं, सभी गुणों को नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग देने के बाद इनको कोड भी दिया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। इसकी खास बात यह है कि जितने भी गुणों को नंबरिंग दी जाती है इन सभी गुणों को समान मान्यता दी जाती है। दूसरा जो वर्गीकी है वो है कोशिका वर्गीकी, साइटोटैक्सोनॉमी। इसकी सहायता से भी जो टैक्सोनॉमिस्ट है ये अपने कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होता है उनकी गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर या उनकी रचना कैसी है, अगर उनमें जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन कैसी है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। और जो तीसरा वर्गीकरण है वो है कीमोटैक्सोनॉमी या रसायन वर्गीकी। तो रसायन वर्गीकी की सहायता से किसी भी पेड़ पौधे में स्रावित होने वाले रसायन के बारे में पता करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि क्या इस प्रकार के रसायन दूसरे पौधों में भी स्रावित हो रहे हैं या इनमें कुछ अलग रसायन स्रावित हो रहे हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है और इस आधार पर ये वर्गीकरण होता है। वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, इन्हें 2 उपजगत में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैम, जिसमें बीज रहित पौधे आते हैं। दूसरा फेनोरोगैम्स, बीज सहित पौधे। क्रिप्टोगैम्स को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, इनमें संवहन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। इनके सदस्य हैं शैवाल, लाइकेन, कवक। ब्रायोफाइटा का शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। जनन लैंगिक अलैंगिक, इनके सदस्य हैं मॉस, लिवरवर्ट। टेरिडोफाइटा में शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, इनमें संवहन तंत्र भी उपस्थित होता है, और जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। इनके सदस्य हैं फर्न। फेनोरोगैम्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म को पुष्पविहीन पौधे कहते हैं,
इनमें बीज नेकेड या खुले होते हैं। एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पौधे कहते हैं और बीज फल के अंदर में उपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म के सदस्य हैं पाइनस, साइकस। एंजियोस्पर्म को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे जिन्हें मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे डायकोटिलिडन्स। थैलोफाइटा का पहला सदस्य है शैवाल, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। आपने शैवाल को अपने आसपास देखा है? हम काई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे रंग की काई आपको दिखाई दे रही है, आपने इसे पानी में देखा होगा। हरे रंग की शैवाल के अलावा लाल और भूरे रंग की भी शैवाल होती है, जो जनरली हम अपने आसपास नहीं देखते हैं। ये समुद्र में पाई जाती है। ये शैवाल जो होती है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इस वजह से ये स्वपोषी होती है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। और इनकी शारीरिक संरचना, अगर इस शैवाल को आप देखते हैं तो इनमें थैलस जैसी संरचना दिखाई देती है, इसे हम थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड मतलब जैसे आपने पेड़ पौधों को देखा है, पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती ऐसी संरचना पाई जाती है, लेकिन अगर आप शैवाल को देखेंगे तो इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी कोई संरचना दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसे थैलस जैसी संरचना कहते हैं, जिसे हम थैलॉइड कहते हैं। शैवाल लवणीय और अलवणीय दोनों जल में पाई जाती है, साथ ही जहाँ पर भी नमी रहेगी वहाँ पर आपने शैवाल को देखा होगा। ये नमयुक्त पत्थरों में, मिट्टी में, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा शैवाल लाइकेन में भी होती है। बच्चों, आपने लाइकेन का नाम सुना है? ये सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइकेन दो जीवों से मिलकर बनता है, एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। और शैवाल और कवक के मिलने से इनका मिलाप होता है इस प्रकार से होता है कि हम इसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं, इसी को हम लाइकेन कहते हैं। इसके अलावा ये शैवाल प्राणियों में भी पाई जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लॉथ बियर। ये स्लॉथ रिच है, इसके ऊपर में हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है ये शैवाल है। तो प्राणियों के संगठन में भी शैवाल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं शैवाल के माप और आकार की, इनका आकार कैसे होता है। तो शैवाल के जितने भी सदस्य होते हैं इनका आकार सूक्ष्मदर्शी से लेकर विशालकाय शैवाल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी मतलब एक कोशिकीय शैवाल की, जो कि होता है क्लेमाइडोमोनास। इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं, कॉलोनी में होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, तंतु जैसी संरचना इनकी होती है, तंतुमय होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ये तंतु जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। और कुछ शैवाल बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे कि कैल्प। अब हम बात करते हैं शैवाल में जनन कैसे होता है। शैवाल में जनन तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात कर रहे हैं कायिक जनन की। कायिक जनन में शैवाल जो होती है इनमें विखंडन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में विखंडन विधि से कायिक जनन होगा, मतलब इसका जो शरीर है ये खंडित होगा और
जब ये खंडित हो जाएगा तो हर खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा, एक नया स्पायरोगायरा बनेगा। तो इस प्रकार की जो विधि होती है ये विखंडन होती है, तो कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। दूसरा जनन होता है अलैंगिक जनन, जो कि जूस्पोर या बीजाणु के द्वारा होता है। ये जो जूस्पोर या बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, और क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है इसलिए ये मूवेबल होते हैं, चल सकते हैं, चलायमान होते हैं, और ये अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जब जनन होता है तो इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा जो जनन होता है ये होता है लैंगिक जनन। इनमें नर और मादा जनन अंग भाग लेते हैं, और ये तीन प्रकार से होता है। पहला होता है समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी, और तीसरा विषमयुग्मकी। पहला बात करते हैं समयुग्मकी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, समयुग्मकी मतलब समान युग्मक। इसमें जो युग्मक होंगे इनका जो आकार होगा वो समान होगा। तो ये जो युग्मक फ्लैजिला युक्त भी हो सकते हैं या फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक हो सकते हैं, लेकिन आकार कैसे होगा, दोनों का समान होगा। तो जब ये युग्मक संलयित होते हैं तो इनके संलयन से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जब जनन होता है तब हम इसे समयुग्मकी जनन कहते हैं। जैसे कि फ्लैजिला युक्त क्लेमाइडोमोनास और फ्लैजिला विहीन जैसे कि स्पायरोगायरा। दूसरा होता है असमयुग्मकी जनन। इस प्रकार के जनन में जो युग्मक होते हैं ये असमान आकार के होते हैं, मतलब बड़ा या छोटा आकार के ये हो सकते हैं, और ये दोनों के संलयन से फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है ये असमयुग्मकी जनन कहलाता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का जनन दिखाई देता है। तीसरा होता है विषमयुग्मकी। विषम मतलब अलग अलग, ठीक है। तो इसमें मादा जनन अंग जो होता है ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है और स्थैनिक होता है, मतलब ये स्थिर रहता है एक जगह पे ये स्थिर रहेगा, क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और जो नर जनन अंग होगा ये छोटा होगा आकार में, और इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिला पाए जाते हैं तो ये चलायमान होगा। और ये नर जनन अंग जब मादा जनन अंग से संलयित होगा तब एक नए जीव का निर्माण होगा। तब इस प्रकार का जो जनन होता है इसे हम विषमयुग्मकी जनन कहते हैं। इसके उदाहरण है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। बच्चों आप जानते हैं कि ये शैवाल जो होती है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैसे, आइए नजर डालते हैं इनके आर्थिक महत्व पर। पहला इनका महत्व ये होता है कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये वातावरण की आधी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। और क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन भी बनेगी, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है इसे बढ़ाने में ये शैवाल हमारी बहुत सहायता करते हैं। दूसरा इसका जो उपयोग है वो प्राथमिक उत्पादक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, और इसके ऊपर दूसरे जलीय जीव निर्भर रहते हैं। किस लिए, भोजन के लिए। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो जलीय जीवों का ये आधार होते हैं शैवाल। इसका जो तीसरा उपयोग है वो ये है कि समुद्र में लगभग 70% शैवाल पाई जाती है स्पीशीज, जिनमें से कुछ स्पीशीज जो होती है वो भोजन के रूप में बहुत अधिक उपयोगी होती है, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम। ये कुछ ऐसी स्पीशीज है शैवाल की जिसका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। चौथा इसका उपयोग है जेलेडियम और ग्लैसरेलिया जैसी शैवाल की कुछ स्पीशीज है जिससे अगार बनता है। ये अगार आप देख रहे हैं, और इस अगार से
आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है जो आपको बहुत पसंद होती है। इसके अलावा इस अगार का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग होते हैं जिनमें जीवाणुओं को ग्रो करना होता है, तो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी इस अगार का उपयोग होता है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे कि क्लोरेला और स्पिरुलिना। ये एक कोशिकीय शैवाल है और क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री खास तौर पर इस प्रकार के शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा कुछ भूरे और लाल रंग के शैवाल होते हैं जिसे कैरागिन और एल्जिन का अधिक उत्पादन होता है, तो इसका व्यावसायिक उपयोग है क्योंकि इस प्रकार की जो एल्गी होती हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जिस वजह से इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। शैवाल, शैवाल को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्लोरोफैसी, दूसरा फियोफैसी, तीसरा रोडोफैसी। आइए इन तीनों को एक तालिका की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। पहला डिवीजन है क्लोरोफैसी। क्लोरोफैसी के सदस्य को प्राय हरा शैवाल कहते हैं, इनका सामान्य नाम हरा शैवाल है। ये जो इनके जो सदस्य होते हैं ये एक कोशिक कॉलोनी में या तंतु में हो सकते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है और क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है और ये वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग आकार का होता है और क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरोनाइड होते हैं। इनमें भोजन स्टार्च के रूप में और कुछ शैवाल में तेल बूंदक के रूप में संचित रहता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रायः कठोर होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है तथा बाहरी सतह पेक्टोस की होती है। इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 से 8 के बीच हो सकती है और फ्लैजिला समान होते हैं और ये शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफैसी के प्राय सभी सदस्य अलवण जल, लवणीय जल, खारे जल तीनों जल में पाए जाते हैं। क्लोरोफैसी के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं इनके उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और कारा। अब हम बात करते हैं फियोफैसी की। दूसरा डिवीजन है फियोफैसी। इसे सामान्यतः भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए सी, कैरोटोनाइड तथा जेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। ये भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। फ्लैजिला की संख्या इनमें 2 होती है, साथ ही ये असमान होते हैं और पार्श्व पर उपस्थित होते हैं। इनका आवास यह अलवण जल बहुत कम, खारे जल और लवणीय जल पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। तीसरा डिवीजन है रोडोफैसी। रोडोफैसी इनका सामान्य नाम लाल शैवाल है। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, साथ ही इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी होता है। इनका लाल रंग
लाल वर्णक R-phycoerythrin के कारण है। इनमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है और ये जो स्टार्च की संरचना होती है ये अमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह ही होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और फ्लैजिला इसमें अनुपस्थित होता है। इनके कुछ सदस्य अलवण जल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर सदस्य खारे जल और लवण जल में पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्लैसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम।